विवर्स मैं हूँ समीला आप देख रहे हैं समीला फ़ूड सीक्रेट दोस्तों आज मैं आपके साथ बीफ चटखारा टिक्का बोटी की रेसिपी शेयर करूँगा ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट टेंडर मक्खन मलाई की तरह गली हुई बगैर किसी टेंडराइज़र के बग़ैर किसी गलाने वाले पाउडर के इसको हम ऑर्गेनिक तरीके से औरजिनल तरीके से घर पर बनाएंगे और बहुत ही सॉफ्ट जूसी ये टिका बनेगा तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तिक्का बनाने के लिए ना सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बीफ का जो पार्ट लिया ना ये इसको बोलते हैं टेंडर लाइन ये होता है जो बीफ का जो लेग वाला हिस्सा ना उसके अंदर होता है कसाइयों की जबान में इसको बोलते हैं सफ़ेदा तो ये मैंने ना कसाई से लिया फायदा ये उसमें से मैंने लेग में से निकलवा लिया अच्छा इसका हम बीफ टिक्का बनाएंगे पूरे गोश्त में से ना सबसे सबसे जो, जो ज़्यादा नरम गोश्त होता है ना वो यही होता है वैसे तो आप किसी तरह का भी गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं बीफ टिक्के के अंदर लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेशल आप बीफ टिक्का बनाएं तो ये समझ ले कर रान के अंदर होता है तो इसको सफायदा बोलते हैं आप कसाई को कहेंगे वो आपको निकाल के देगा यहाँ पे देखिए इसकी कटिंग करने के बाद ना ये मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था ये जमा हुआ है तो अभी इसकी कटिंग करेंगे कटिंग करने का तरीका ये है कि देखिए बोटी मैंने इसकी ना थोड़ी सी चपटी काटनी है और रफली बोटी इसकी काट लेनी है कोई इसकी खूबसूरत कटिंग की ज़रूरत नहीं होती और ना ही इसकी बोटी बहुत ज़्यादा छोटी करनी पड़ती है थोड़ी सी बोटी बड़ी रखेंगे ताकि ये बाद में श्लिंग भी हो जाती है तो देखिए यहाँ पर ना हम इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे देखिए बहुत ही आसानी के साथ और ये इसका अगर वेट की बात करें तो तकरीबन ये एक किलो इसका वेट है तो अभी यहाँ पे सबसे पहले प्रेशर कुकर में हमने दो टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया इसके अंदर लहसन अदरक का पेस्ट वन टेबल स्पून शामिल करेंगे और यहाँ पे हमने लसन अदरक के पेस्ट को अच्छी तरह से भून लेना है जब ये अच्छी तरह भून जाए ना तो फिर इसके अंदर हमने गोश्त शामिल करना है दोस्तों आप इसको खुले बर्तन में भी बना सकते हैं लेकिन मेरी ज़्यादातर रेसिपीज़ प्रेशर कुकर के अंदर होती हैं क्योंकि इसको गलाने में टाइम बहुत कम लगता है तो हम फौरी से इसको बना लेते हैं टाइम कम होता है कभी गैस नहीं आ रही होती बहुत से मसले हैं बहुत से मसाइल हैं तो इसलिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करता हूँ आप इसको अगर आपके यहाँ गैस आती है या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप खुले बर्तन में इसको बना ले यहाँ पे एक प्याज छोटे साइज़ का वन टी नमक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट तकरीबन तीन सब्ज मिर्चें इसका पेस्ट बना के इसके अंदर शामिल करना है और यहाँ पर ना हमने इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है अभी गोश्त देखिए यहाँ पर ना पानी छोड़ देगा जब ये गोश्त पानी छोड़ेगा ना तो इस पानी को हमने पहले खुश करना है क्योंकि ये गोश्त की स्मेल होती है तो इस तरह ना गोश की स्मेल ख़त्म हो जाती है पानी को खुश करेंगे ना तो गोश के अंदर से स्मेल नहीं आएगी यहाँ पे हमने इसके अंदर ना इसकी खुश करने के बाद ना पानी को इसके अंदर पानी डाल दिया तकरीबन एक लीटर और इसको अच्छी तरह से गला लेना दूसरी तरफ मसाला तैयार करेंगे दही लेंगे दो टेबल स्पून वन टी स्पून लाल मिर्च वन टी स्पून कुटी मिर्च हाफ टी स्पून हल्दी वन टी स्पून धनिया पाउडर वन टी स्पून गर्म मसाला पाउडर और यहाँ पे वन टीस्पून चाट मसाला पाउडर ये चीज़ें शामिल करने के बाद थोड़ी सी इसके अंदर वन टीस्पून कश्मीरी मिर्च शामिल करेंगे एक चुटकी इसके अंदर अजवाइन शामिल करेंगे एक चुटकी इसके अंदर जरदा रंग शामिल करेंगे हाफ टी स्पून लहसन और एक चुटकी इसके अंदर अदरक का पाउडर शामिल करेंगे अदरक का जो पाउडर होता है ना ये स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए मैंने इसके अंदर कम डाला है आप लहसन अदरक का पेस्ट भी इसके अंदर डाल सकते हैं अच्छा यहाँ पे ना गोश्त को मैंने अच्छी तरह गला लिया था गलाने के बाद इसको मैंने एक बर्तन के अंदर निकाल लिया गोश्त अच्छे से टेंडर हो चुका है ये सौ फीसद गोश्त को मैंने गला लिया उसके बाद इसके अंदर ये मसाला शामिल करना है मसाला डालने के बाद ना हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है तो अक्सर हम सीखों पर तिक्के बनाते हैं या उसको अंगीठी पर बनाते हैं तो तिक्का हमारा गलता ही नहीं है दो दिन की मैरिनेशन भी दे दे टिक्का हमारा गलता नहीं है तो आप एक दफ़ा इस तरीके से ये बीफ टिक्का बनाकर देखिए मक्खन मलाई की तरह गलेगा और आप इसको दस बार दोबारा बनाएंगे इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है अभी मैंने एक कोयला लिया थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला और उसके ऊपर कोयला रख के दो मिनट के लिए इसको कवर कर दिया यहाँ पर हमने इसके अंदर बारबिक्यू स्मोक दे, दे देना ये देखिए कितना अच्छा इस गोश के अंदर ये स्मोक ऐड हो चुका है अभी एक धुआं इसके अंदर से निकलने का नाम नहीं ले रहा तो अच्छी तरह फ्लेवर ऐड हो चुका है अभी हमने इसको थोड़ा सा हला आ देना है और ये देखिए मसाला अच्छे से इसके ऊपर चिपका हुआ है अभी ऑयल को थोड़ा सा मीडियम गर्म करेंगे और इसके अंदर ये बोटियाँ डालने के बाद ना हमने इसको गोल्डन कलर देना है बस यहाँ पर सिर्फ कलर देना है तकरीबन हमें दो से तीन मिनट लगेंगे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये देखिए दो मिनट के बाद ना हमने इसको निकालना है तो आप इसकी टिक्के की फ़ाइनल लुक देखें ये कितना ज़बरदस्त चटकारेदार बीफ टिक्का हमारा रेडी हो चुका है अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कितना ज़्यादा टेंडर है कितना ज़्यादा जूसी है यहाँ पे एक दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे ताकि ऑयल वगैरह रिड्यूज़ हो जाए इसका और यहाँ पे जनाब इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देंगे लीमू अगर हो तो लीमू डाल लें यहाँ पे अच्छी तरह इसको हला लेंगे हलने के बाद जनाब अभी आ गए हैं फाइनल लुक की तरफ तो ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ऊपर से इसकी लुक देखे अंदर से देखे कितना जूसी सॉफ्ट इसके रेशे इसका हर चीज़ इसकी गली हुई है मक्खन मलाई की तरह तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा बकरा ईद की रेसिपीज़ के लिए समीला फूड सीक्रेट चैनल को सब्सक्राइब करें कोई रेसिपी का नाम के बाई समीला लिखें फौरी से रेसिपी मिलेगी शुक्रिया अल्लाह हाफिज